अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उस्मान एंड महमूद। मेरा नाम है उस्मान भट्ट और मेरे साथ है महमूद परवेज। कैसे हैं महमूद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जरा सुनाए, फिट हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा जरा एक कोई लोगों की गलत फहमी तो दूर कर दें कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जो नई मागला एवेन्यू बन रही है वो शायद एग्जिस्टिंग जो D12 और E11 की रोड है उसको यूज करेंगे, पर देखें हम तो उसी पे जा रहे हैं, इसको तो यूज किया नहीं है। तो बिल्कुल पूरी आप वो देखा जाए तो ये राइट साइड पे पूरी नई उन्होंने रोड बनाई है। बिल्कुल, मुझे भी यही सुनने में आया था कि ये जो मेन जिस टाइम मौजूद है 11 की रोड पे, जो डबल रोड है फ्रंट पे, तो ये जो D12 को कनेक्ट करती है, तो मुझे भी यही गलत फहमी थी कि शायद ये रोड बनेगी और इस पे काफ़ी रश बन जाएगा और इशू बनेगा जब ट्रैफिक वहाँ से इधर आएगी इकट्ठी। लेकिन अभी आपने जिस तरह क्लैरिटी थोड़ी दी है मुझे कि वो एक टोटली एक सेपरेट रोड है और इससे उसका कोई लिंक नहीं है। एग्जैक्टली, और मेरे हिसाब से ये वैसे जब रोड पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये तो बहुत जबरदस्त लिंक नहीं हो जाएगा पूरा आपका इस्लामाबाद जो है टूवर्ड्स GT रोड से, मतलब जो KP वाली साइड है वो जाना, जैसे नयो या जो B17 है सोसाइटीज है। अब देखें जैसे D12 की तरफ मोड़ रहे हैं हम, तो ये एग्जिस्टिंग रोड है पहले से जो है। यार ये बड़ा वाकई जबरदस्त काम हो गया माशाल्लाह। जिस तरह मतलब B17 से ये कनेक्टेड है, तो वहाँ से अगर आपको स्टार्ट लेके पहले आपको यहाँ से इतना लंबा समझे जहाँ से जाना पड़ता था ये कश्मीर हाईवे से, तो ये और एक तो यहाँ पे रश भी निस्बतन फिलहाल कम होगा क्योंकि अब आधी ट्रैफिक डाइवर्ट होगी यहाँ पे, आधी ने तो वहीं से आना है। तो मेरे ख्याल में B17 से जब यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल रही है और वो भी खुली डुली एक रोड मिल रही है, एक हाईवे, तो इससे ज़्यादा लोगों के लिए क्या और आसानी हो सकती है। ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में इनिशिएटिव ले लिया गया। हाँ जी नाजिन, देखिए जैसे D12 की तरफ मुड़ गए हैं तो आप देखा जाए तो राइट पे जो ऊपर सारी रोड नजर आ रही है, तो ये तरह की सारी नई पूरी रोड डेवलप हो गई है। और आप ये देखिए अभी हम ये D12 की तरफ ही हम टर्न कर रहे हैं और यहाँ से आप बिल्कुल राइट टर्न लेंगे हम तो बिल्कुल रोड के साथ साथ जो नई मागला एवेन्यू जिसको नाम दिया गया है, इसको मागला एवेन्यू, हाँ जी, जो नई बन रही है उसको मागला एवेन्यू का नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो पूरा जाके GT रोड जो 2017 से पहले वहाँ से लेकर पूरी अभी F10 तक इंटरचेंज बन रही है और उसके बाद नेक्स्ट इसका प्लान है तो टूवर्ड्स आगे जाके सीधी जो है ना कश्मीर हाईवे तक अटैच होनी है। तो ये हम अगर अपने नाज़रीन को दिखाते चलें कि ये सारा वहाँ पे काम हो रहा है और ये सारा D12 का भी हम थोड़ा सा व्यू दिखाते चलें अपने नाज़रीन को। D12 भी उस्मान बड़ा डेवलप हो गया यार, मैं 2-3-4 साल पहले अगर पीछे जाऊँ तो बड़ा खाली खाली होता था, कोई एक घर इधर एक उधर, जो एक बड़ा खूबसूरत तो है इलाका अगर आप व्यू देखें तो, मेरे ख्याल में E7 के मुकाबले का भी D12 बेस्ट टाइम पे। नहीं नहीं एग्जैक्टली, आप देखें ना जो सामने आप देखें पूरे माउंटेन्स आपको नजर आ रही हैं, जो पहाड़ों का पूरा व्यू है, मेरे हिसाब से पूरे इस्लामाबाद में शहर को इतना किसी सेक्टर का भी इतना नहीं होगा। और लेकिन आगे जाके तो जगह बिल्कुल पहाड़ सकता है आप साथ। एग्जैक्टली, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अमेरिका प्राइसेस भी आपकी यहाँ पे आसमानों पे हैं डेफिनेटली, क्योंकि अब तो ये हार्ट ऑफ इस्लामाबाद बन गया। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? बिल्कुल, मैं वही जितना बताया था ना कि आज से 3-4 साल पहले अगर देखो तो काफ़ी प्राइसेस का फ़र्क था। उस वक्त बड़ा एक ड्रीम सा एक लगता था कि यार ये बड़ी अच्छी जगह और बड़ी मुनासिब थी उस टाइम, इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में महंगे नहीं थे ये। अब तो मेरे ख्याल ये F10 के इक्वल तो होंगी प्राइसेस अगर आनी। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 सही है ना। E11 से तो काफ़ी सस्ता था ये उस टाइम पे, तो जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, और फिर आपको पता है CDA सेक्टर है, सबसे बड़ी बात ये इसमें फ़ायदा ये आ जाता है, ये सेक्टर आ गया। दूसरा आपका क्लोजेस्ट में, और मैं कहूँगा अगर आप इस्लामाबाद में जैसे हम बिजाए कि हम हाईवे की साइड जाते हैं एक्सप्रेस हाईवे, या हम कश्मीर हाईवे से आगे वो B17 वगैरह उस साइड पे जाते हैं फैसल, उस सबसे तो मेरे ख्याल में फिर ये निस्बतन सबसे बेहतर। लेकिन प्राइसेस उसी तरह की बात है बढ़ लेकिन महमूद, जब से अभी देखिए रोड जो बन गई है जिस तरफ हम अभी अपने नाज़रीन को भी लेके जा रहे हैं दिखा रहे हैं, इस रोड के बनने से B17 और फैसल हिल या फैसल जो टाउन है उसको बड़ा एज मिल जाएगा कि वो भी कम्यूनिट आपका जो है तकरीबन 5-7 मिनट का ही रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, एज तो मिलेगा लेकिन स्टिल रास्ता तो है ना क्लोजेस्ट मैंने कहा जिसने कि ये D12 वेस्ट टाइम पे, लेकिन बात वही है कि प्राइसेस D12 की अच्छी खासी हाई है। तो ये आप देखें ये जो है ना इस रोड पे जो है ना जो नई रोड है हम उस पर अब चढ़ने लगे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैच अभी है, मेरे ख्याल कार्पेटिंग वगैरह रहती है, वो मेरे ख्याल से साथ साथ पूरा होगा। लेकिन आप देखें पूरी ये हम जो हमारा मकसद था हमारे व्यूअर्स को दिखाने का कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मोशन अगर रोकें तो अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि ये देखें पूरा ये रोड जो है ना, ये देखें नई रोड है और ये यहाँ से राइट से सारी रोड जो है ये टूवर्ड्स यहाँ से रोड नई आ रही है और ये सारा यहाँ पे ये नई रोड है। यहाँ से आप लेफ्ट ले लें मोश, ये देखें जी हम इस टाइम पूरी वो नई रोड पर हम आ गए हैं और ये देखा जाए पूरी बिल्कुल नई बनी गई है और बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कहना है महमूद साहब आपके इस नई रोड के बारे में, कितना
क्या आपको फील हो रहा है? सर नई रोड है फिलहाल तो अच्छी लग रही है, अल्लाह करे कहीं भी रहे। जो जिस तरह से बाकी रोड्स का हाल है आपको पता है, बनती हैं टूटती हैं, तो वो सीन ना हो तो अच्छा है। बाकी जाहिर है जबरदस्त रोड इस टाइम लग तो रही है। अब देखिए ट्रैफिक भी जाना शुरू हो गई है, लेकिन गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और ये बड़ा अच्छा है मेरे हिसाब से। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे मेमोश, ये देखे ना D12, अब देखिए कितना आबाद हो गया मरकज और कितना देखे बड़ा काफी प्लाजा बन गए। कारफोर भी ये देखे बोर्ड लगा हुआ है, वो भी आ रहा है इधर और बन रहा है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन ये बड़ा देखे कितना जबरदस्त, एक तो आर्किटेक्चर के हिसाब से भी देखे और ये देखे ना, ये आपकी डबल रोड से व्यू है सामने माउंटेन्स का, और ये आपका यहाँ पे अगर घर हो तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। किनाल के घर मुझे लग रहे हैं, ये देखे एक ये भी कंस्ट्रक्शन देखे घर हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म के साइड पे मुझे सही से वैसे नजर नहीं है, ये D12 कौन सा है लिखा होगा, ये साइड जो छोटे घर हैं जो सवा चार मरले वाले जो घर हैं, ये मुझे याद है यार एक टाइम पे तकरीबन अगर मैं बात करूँ 2018-19 की, तो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख का ये घर होता था। अच्छा अच्छा सर, और आज मेरे ख्याल में ये घर अब 4-4 करोड़ से ऊपर ही है शायद। हाँ जी डेफिनेटली, डबल से भी ऊपर प्राइसेस तो चली गई हैं, जो कि हर दफा ही गई हैं। और लेकिन एक वैसे इन्फ्लेशन तो है ही है, लेकिन जो D12 जो डेवलप हो गया ना इस वक्त बिल्कुल, एक तो क्योंकि बिल्कुल हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में आ गया ना, आप देखें मतलब बिल्कुल लेफ्ट टर्न के साथ ही बन गया। F7, G7 ये सेंटर होते और जब से मेरा ख्याल है जब ये रोड भी होगी तो ये वाकई में बहुत सेंटर प्लेस बन जाएगा। आप इसमें मेरा ख्याल है अगले नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा किस्म की जो है ना इस पे आएगी तब्दीली और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मेरे ख्याल स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें ये जो ये वाले साइड है, ये छोटे घर है, ये D12 से फोकस कर रहा हूं कि वो ये D12 3 है मेमोश 3 है। ठीक है, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि वो अक्सर ज्यादातर लोग जो है ना इन पे फोकस होता है छोटे घरों पे। डेफिनेटली आजकल और वैसे भी मेमोश में जो बाइंग पावर है वो वैसे भी इतनी नीचे चली गई है। जो किनाल पे थे वो 10 मरले वाले 5 मरले पे आ गए हैं, और जो आप मेन देखेंगे हम ये मरकज से मुड़े हैं और ये सामने जो व्यू है मैं कहता हूँ क्या जबरदस्त किस्म के, देखें माउंटेन्स के व्यू है और साथ घरों का आप देखें व्यू। उस्मान भाई हम इतनी तारीफें करेंगे ये ना समझे मैं लोग के D12 ने हमें पे कर दिए। नहीं नहीं मेमोश भाई पे नहीं किया, लेकिन पॉइंट ये है कि एक चीज दिखा दी थी हमने लोगों को कि एक नई रोड बन रही है। हम तो जनरली क्योंकि हम खुद फैन है इस सेक्टर के, जो सीधी बात है, हालांकि इधर ही रह के भी बावजूद रहने के बावजूद जो है हमें ये ज्यादा चीज अट्रैक्ट अप करती है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, अभी आप ये देखें ना, ये देखें अभी भी काफी मेमोश अभी मतलब काफी प्लॉट्स पड़े हुए हैं। और आप ये देखें मेरे ख्याल में आप कह रहे थे मेरे ख्याल में फिर आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ले लेते हैं, मिलके ले लेते हैं। नाजरीन थोड़ा सा हमें थोड़ा सपोर्ट करें ना, हमारे सब्सक्रिप्शन करें और हमें उनका तो 1 मिनट लगेगा, वो सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला बढ़ाएं, नहीं तो फिर कोई 20-30 लोग इकट्ठे करें मिलके एक प्लॉट ले लेते हैं। एग्जैक्टली आजकल, लेकिन मतलब बट ये खैर ओवरऑल आप देखो, लेकिन बेसिकली ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि लोगों को ये दिखाना, एक तो वो रोड के बारे में कि देखें ये रोड वगैरह जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर प्ले करती हैं आपकी, देखें ना वो B17 और उस पूरे को लिंक कर दिया गया है, और आप ये देखें कितने खूबसूरत किस्म के घर यहाँ पे बने हुए हैं। आप देखो ना स्ट्रीट्स भी अच्छी खासी जो है खुली, कोई वो सीन भी नहीं है कि तंग गलियां हो। इवन वो जो फिर मैं भूकूंगा छोटे जो घर थे वहाँ भी गलियां की अच्छे साइज की थी, और शाम के टाइम सामने पीछे माउंटेन्स भी नजर आ रही है और बड़ा जबरदस्त व्यू है। 10 मरले हाँ जी मेरे ख्याल में ये अब हम 10 मरले की कैटेगरी पे। इधर पीछे गली थी उधर मेरे ख्याल 8 मरले के भी होते थे, 8 या 7, 30-60 वाले घर थे। और मेरे ख्याल है यहाँ से मैं मेमोश हम सीधा बिल्कुल उसी रोड पे निकल जाएंगे जो मांगला जो एवेन्यू जो टच करनी है बिल्कुल वो D12 की रोड और साथ ही जो डबल रोड नहीं बन रही साथ ऑपोजिट जो है ना वो चलती रहेगी, पैरेलल सॉरी चलती रहेगी डबल। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल ये अब आ गई है हमारी D12 की रोड
और इसके सामने बिल्कुल पैरेलल जो है वो हमारी दूसरी रोड चल रही है जो कि भागला एवेन्यू है। तो पहले बताया था कि निकल के आगे जाएगी रोड जॉइन करेगी बिल्कुल के साथ। तो मेरे हिसाब से कि मेमोज भाई मैं वही जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो नई डेवलपमेंट दिखाना कि मतलब किस तरह सेक्टर्स को और किस तरह रोड वो एक बनी है उसकी वजह से कितना लोगों को फायदा हो जाएगा कि टूवर्ड्स वो जीटी रोड जो टूवर्ड्स केपी तरफ से या वाह वाली तरफ से आ रहे हैं लोग या पेशावर से जीटी रोड पे आ रहे हैं तो उनको वो पूरा तनोल और वो वहां से पूरा फिर के आना नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली इस रोड पे मागला एवेन्यू से होते हुए डेफिनेटली F10 और जहां भी उन्होंने जाना है वो बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएंगे सिग्नल फ्री। तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा हो जाएगा और इस पे मेरा ख्याल है आप इजाजत लेते हैं अपने नाज़रीन से इंशाल्लाह एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और अगर इस पे कोई क्वेश्चंस आए जिस तरह क्योंकि एक हमारी लास्ट वीडियो पे भी जो मैं डिस्कस कर रहा था कुछ क्वेश्चंस आए थे उस पे भी हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे प्रोसीड करना है उसी टॉपिक को तो इस पे भी अगर कोई इंशाल्लाह कोई आए तो हम उस पे मजीद कोई बनाएंगे और शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी इजाजत लेते हैं आपसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।